न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और बात करते हैं शहडोल की, जहां जिले के बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत कोल्हुआ की जनता इस बार का चुनाव का बहिष्कार का खुलेआम ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें कि कोल्हुआ गांव में आजादी के बाद से अब तक मुख्य रोड भाटिया कोल्हुआ मार्ग बरगवा जाने वाली रोड आज तक नहीं बनी और इसी मुद्दे से नाराज जनता ने खुलेआम चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। एक और कई सरकारें आई और गईं, लेकिन आज तक ग्रामीणों को रोड नहीं नसीब हुई। न जाने कितने जनप्रतिनिधि और कितने नेता चुनाव के वक्त वोट मांगने के लिए जनता के बीच उपस्थित होते हैं, लेकिन जीत हासिल होने के बाद दोबारा वहां नजर नहीं आते और इन्हीं सब कारणों के कारण जनता नाराज है और उसने चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि हमारे गांव में रोड नहीं है, इसीलिए यहां तक इमरजेंसी पड़ने पर ना तो एम्बुलेंस आती है और तो और बच्चों को भी स्कूल जाने में समस्या होती है। वहीं मूलभूत सुविधा से भी ये गांव वंचित है। गांव की सबसे खास बात यह है कि क्षेत्रीय विधायिका मनीषा सिंह का निज निवास कोल्हुआ गांव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आज भी रोड का निर्माण यहां नहीं हो पाया, जबकि इस मार्ग से 20 गांवों का आवागमन हो रहा है। विराट 24 न्यूज के लिए शहडोल से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम है सर उमेश चौधरी, मैं कोल्हुआ का हूँ, यही का चौकी टोला का, और मैं जन्मों से मतलब विकलांग हूँ। मैं आज मेरी उम्र कम से कम 45-46 वर्ष हो गया है और मैं जब से देखा हूँ जब से रोड ऐसा ही है। हम लोग 4 महीना घर से निकल नहीं पाते हैं, अपने विकलांग तक तो हम बेसहारा हैं। हमारी साइकिल कहीं फंस जाएगी तो कैसे निकल पाएंगे, तो जो भी समस्या हमको पूरा घर में 4 महीने के लिए झेलना पड़ता है। क्यों आपके यहाँ तो कई नेता प्रतिनिधि सब कोई हैं, तो कभी आप लोगों ने उनकी उनसे रिक्वेस्ट नहीं किया? रिक्वेस्ट तो बहुत करते हैं सर जी, बस यही होता है कि जीतेंगे तो बनवाएंगे और जीतने के बाद दोबारा इनको आना नहीं है हमारे यहाँ किसी को। तो आज ये भीड़ क्यों इकट्ठा है? भीड़ यही है, यही निवेदन है, आज चुनाव का समय है तो जो हमारे माननीय भरे हैं अध्यक्ष जी, इन्हीं को सब ये चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप अगर वोट लेना चाहते हैं तो फिर इसके बारे में पहले हमको हमारा रोड होना चाहिए, इसके बाद वोट। आपका निहाल चौधरी। निहाल चौधरी कौन से गांव में रहते हो बेटा? सर ये चौकी टोला। चौकी टोला कोल्हुआ। कौन सा पंचायत है आपका? कोल्हुआ। कोल्हुआ लगता है ना। क्या तकलीफ बेटा आपको? सर स्कूल जाते हैं तो सर ये कहाँ किच में सर ये गिर जाते हैं। ये पूरी रोड खराब है। यस। आप चुनाव लड़ रही हैं जी? कहाँ से लड़ रही हैं? 10 वार्ड से। 10 नंबर वार्ड से, जिले में या जनपद? नहीं, जिला पंचायत में। जिला पंचायत। अच्छा, आप यहाँ जो ग्रामीण जनता इकट्ठा हुई है जी, इनका कहना है कि चुनाव को बहिष्कार को लेकर ये भीड़ लगाए हुए हैं, है ना, और इन्होंने तहसील में आवेदन भी दिया है जी। तो आप इस गांव में आई हैं, आपने यहाँ क्या देखा? मैं ये देखा कि यहाँ जनता के बहुत तकलीफें हैं, इनके बच्चे नहीं जा पढ़ने नहीं जाने जा पाते हैं, डिलीवरी केस होता वो भी नहीं जा पाते हैं, कोई भी हमारा गाड़ी भी आता है सब फंस जाते हैं, तो हम दूसरे तरफ से घूम के आते हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि हम ये सत्ता में आएँ, सब जनता हमको चुने और पहला काम हम अपना रोड बनवाएं। तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं।